Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. सफर काफी अच्छा रहा। आई थिंक जैसे हमारी टीम ने परफॉर्म किया है लास्ट 10 दिन में, मतलब शायद ये एक सपना रहा है हम सबका और काफी अच्छा लग रहा है। जाने से पहले क्या चीजें दिमाग में थी, क्योंकि इस कप को हमने अभी तक नहीं जीता था, ये पहली बार है जब भारतीय टीम आ गई है और झंडे गाड़ के आई है, क्या दिमाग में चल रहा था? वेल, जाने के पहले ये था कि मेडल तो पक्का लेके आना है टाइम, क्योंकि थॉमस कप में इंडिया ने कभी मेडल लेके नहीं आया, तो हमारा ये टारगेट था कि मेडल तो लेके ही आना है। और पहले के एडिशन से और इसमें ये एडिशन में ये फर्क था कि हमारी टीम और जितने भी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, हमारी टीम को जो जीतने की चाह थी वो बाकी लोग से काफ़ी बेहतर थी। शायद हमारा टीम उनके जितना स्ट्रांग नहीं रहा होगा, बट हमारा जो विल था जीतने का और जो जुनून था जीतने का वो बाकी टीम से बहुत ही ज़्यादा था। क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक हमारा डगआउट ही था जो चीयर कर रहा था अपने प्लेयर्स को। हमारा टीम लिटरली, मेरा आवाज़ भी अभी आ नहीं रहा है क्योंकि चिल्ला के इतना चीयर किया हूँ मैं आफ्टर माई मैचेस। बट फाइनल्स में जो इंडियन कम्युनिटी आई थी बैंकॉक में, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी। दे गॉट ड्रम्स, ढोल बाजा सब लेके आए थे वहाँ स्टेडियम पे और काफ़ी अच्छा माहौल था। देशवासियों से ये चीज कहूंगा कि अगर हम कर सकते तो कोई भी कर सकता है। आई थिंक इफ यू हैव दैट बिलीफ, अगर आपको वो चाह है कुछ और अगर आप उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक कुछ भी पॉसिबल है। और मैं ये टीवी के लिए नहीं कर रहा, बट एक्चुअली मैं कुछ भी पॉसिबल है। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।